लेट्स इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पे मैं रोशन तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का अभ्यास 2 अम्ल क्षार एवं लवण के पेज नंबर 24 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पेज नंबर 24 में पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रैक्टिकली नॉलेज भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। दही और अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होती है, इसलिए जब उन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल धातु से क्रिया करके हानिकारक उत्पाद यानी लवण बनाता है, जिससे भोजन खराब हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता। ठीक है, खट्टे पदार्थ हैं जिसका जो कि अम्ल है, ठीक है, ये तांबे के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण बनाता है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद। एक परख नली में लगभग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालने पर उसमें से गैस उत्सर्जित होने लगती है। जब इस गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो साबुन के विलयन से बुलबुले निकलने लगते हैं। जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास लाने पर यह फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है, इससे पता चलता है कि यह कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। देखिए यहाँ चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, परखनली में हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल रहा है, ठीक है, और प्रवाहित हुआ, जब मोमबत्ती लिया गया तो फट की ध्वनि निकला है, हाइड्रोजन गैस का दहन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है प्रश्न 3, कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया गया कराया गया तो कैल्शियम क्लोराइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुआ और जल भी मुक्त हुआ, इस समीकरण को संतुलित कर लिया गया है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, पेज नंबर 24 के बाद पेज नंबर 27 का प्रश्न देखेंगे, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इन्हीं आयनों के बनाने से HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। उसी जगह पे अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में हाइड्रोजन आयन H+ या हाइड्रोनियम आयन का अभाव होता है, यानी कि H+ आयन नहीं होता है, इसीलिए ये अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, मेनली पॉइंट है इसमें H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित करेगा तो अम्लीय होगा और H+ आयन प्रदर्शित नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अब अम्लीयता का प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का चालन करने के लिए आयन का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। देखिए, अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस और सूक्ष्म लिटमस पत्र दोनों में जल का अभाव होने के कारण जो है
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होते हो पाते, इसीलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है लिटमस रंग पर जो है कोई प्रभाव नहीं डालता। सीधा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शुष्क लिटमस पर्श में जल का अभाव होता है, जिसके कारण कि इन दोनों के बीच अभिक्रिया नहीं हो पाती है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न में है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जब करवा रहे थे तो उसमें भी था। जल को अम्ल में घुलाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फालित होकर बाहर आ जा सकता है तथा कोई भी जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उत्पन्न किए गए कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे, यानी कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे है प्रश्न 5। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन को सांद्र की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने लगती है। जैसे जैसे हम उसमें जल की मात्रा बढ़ाते हैं, उसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होने लगती है और अम्ल की अम्लीयता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जब इसमें जल मिलाते हैं तो क्या होता है, उसका आयन क्या होता है, प्रति इकाई आयतन क्या होता है, कम होने लगता है, इसीलिए उसके जलीय अम्लता क्या हो जाती है, घट जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अत्यधिक अध्यक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अत्यधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड एच प्लस आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, आगे पेज नंबर 31 का प्रश्न देखेंगे। पेज नंबर 31 में पहला प्रश्न है, आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 तथा विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है और यदि 7 से कम है तो वह क्या है, अम्लीय है। इसलिए विलयन ए अम्लीय तथा विलयन बी क्या है, क्षारीय है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए ए में हाइड्रोजन की सांद्रता क्या है, अधिक है और बी में क्या है, कम है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, एच प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लता बढ़ती है और घटने पर क्या होता है, वो उसकी क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, H प्लस की सांद्रता कम होने पर अम्लता कम होती है अथवा क्षारीयता बढ़ती है। आगे देखिएगा, क्या क्षारीय विलयन H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं। क्षारीय विलयन में H प्लस आयन भी होते हैं परंतु इसकी सांद्रता ओ एच माइनस आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। ओ एच माइनस आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्या है, क्षारीय होते हैं। प्रश्न चार में है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। यानी कि खेत की मिट्टी में जो चूना डाला जाता है, आप लोग देख रहे होंगे अभी हर वर्तमान में खेती जो होती है तो सुने होंगे कि खेतों में चूना डाला तो अच्छा फसल हुआ, तो ये कैसी स्थिति में की जाएगी। तो देखिए, यदि खेत की मृदा में अम्लीय है, खेत की मृदा में अम्लता बढ़ गई है तो खेत को वह खेती योग्य बना नहीं होती, खेत जो है खेती योग्य नहीं होती। खेत में अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है। यहाँ किसान बुझा हुआ चूना या चोंक का उपयोग कर रहा है, अर्थात खेत की मृदा अम्लीय है, अम्लता को कम करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जा रहा है। आगे पेज नंबर 36 का क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 36 में है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। ये पहले भी हम आपको बोले थे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखिएगा, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है।
उसका नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, यहाँ पर समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, समीकरण द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। पांचवा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 होता है, 1/2 H2O होता है। जल के साथ अभिक्रिया करना पर जिप्सम बनाता है जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, अभिक्रिया का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अभ्यास का प्रश्न उत्तर हम करवा देंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहे, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें, और जितना हो सके हमारे वीडियो का लाभ उठाएं। आप सबों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूं, आप सबों का धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे वीडियो पर चैनल पर बने रहें, जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।